नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पी एस है का वेलकम टू टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में और बताऊँगा आपको कि व्हाट्सएप में गेम और एप्लीकेशन आप कैसे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा पूरा विदाउट स्किप। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड फ़ोन में आके फाइल मैसेंजर में जाना है। फाइल मैसेंजर में आने के बाद में आपको जो भी अगर आप एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं उसका आपको फॉर्मेट चेंज करना है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है .txt। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैंने जहाँ पर एप्लीकेशन सेव किया है मैं उसमें चलता हूँ। तो मैंने ये एप्लीकेशन चूज़ कर रखी है फेसबुक लाइट। तो मैं इसका अभी फॉर्मेट चेंज करता हूँ। तो मैं क्लिक करके रखता हूँ इसको और यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद में जो .apk लिखा हुआ है यहाँ पर आप .txt लिख दीजिए। ये जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और आपको अभी इसे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप पे कैसे सेंड करना है। तो आपने व्हाट्सएप में आ जाइए, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। जो है आप वहाँ पर जाइए। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगी फेसबुक, जो मैंने फॉर्मेट चेंज किया था फेसबुक लाइट। अब वहाँ से इसको सेंड कर दिए, सेंड ये अभी हो रही है। और ये अभी सेंड हो गई है। तो मैं अभी उस मोबाइल में चलता हूँ जिसे मैंने इसे सेंड किया है। तो मैं अभी उस मोबाइल में आ गया हूँ जिसमें मैंने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन सेंड की थी। तो व्हाट्सएप में चलते हैं कि वो अभी एप्लीकेशन आई या नहीं। तो चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि आ चुकी है। तो मैं अभी इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में आपको वही करना है जो कि मैंने लास्ट टाइम उस मोबाइल में किया था। वैसे आपको उसका जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से एपीके फॉर्मेट में चेंज करना है। तो फिलहाल ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इसका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से हम लोग एपीके फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो हम भी फाइल मैसेंजर में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स फाइल कहाँ पर आई है। तो मैं फाइल में चलता हूँ, फाइल में जाके स्टोरेज में जाता हूँ और व्हाट्सएप के अंदर जाता हूँ। व्हाट्सएप में आने के बाद में आपको मीडिया में जाना है और मीडिया में जो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स है उसमें जाना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट txt लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने एप्लीकेशन सेंड की थी। आप उसको क्लिक करके रखिए और रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के बाद में जो txt लिखा हुआ है उसको आप apk लिख दीजिए। apk लिखने के बाद में ये वही फॉर्मेट में आ जाएगी जिसमें ये पहले थी। आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। और मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में ये मैं आपको दिखाता हूँ ये ओपन होती है या नहीं। तो ये बिल्कुल ओपन होगी। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये अलाउ कर देते हैं। तो ये ओपन हो चुकी है दोस्तों। अगर आपके फाइल मैसेंजर में ये ईमेल जो apk फॉर्मेट है वो चेंज ना हो तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आप कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।